हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में किसी भी फाइल, फोल्डर या फिर आपकी इमेज या फिर किसी भी वीडियो को आप हाइड कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइज वीडियो को एंड तक देखना, चलिए तो शुरू करते हैं। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सैंपल के लिए एक मेरी जो भी इमेजेस है वो आपको हाइड करके दिखाने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर इस फोल्डर को सिंपली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आपको मेरे पास बहुत सारी इमेजेस आपको शो कर रही होगी, तो इसे मैं आपको हाइड करके दिखाने वाला हूँ। हाइड करने के लिए आपको यहाँ पर सर्च बार मिलेगा, वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, इसे डिलीट करना है और यहाँ पर आपको सिंपली सीएमडी टाइप करना है और एंटर पे क्लिक करना है। जैसे आप एंटर पे क्लिक करते हो, आपका जो भी पर्टिकुलर फोल्डर है वो सीएमडी में ओपन होने वाला है। यहाँ पर आपको सिंपली कमांड टाइप करनी है, यहाँ पर आपको कमांड टाइप करनी है ATRIP, यहाँ पर स्पेस रखना है, प्लस एस और प्लस आर। तो गाइस ये वाली कमांड आपको सिंपली टाइप करनी है और एंटर पे क्लिक करना है। एंटर पे क्लिक करने के बाद जैसे आप बैक आ जाओगे, आपकी जो भी फाइल्स है वो हिडन हो जाएगी। यहाँ पर मैं सिंपली आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरी जो भी फाइल है वो सभी फोटोज है वो हिडन हो चुके हैं। यहाँ पर मैं अगर हिडन आइटम्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरी जो भी इमेजेस है वो शो नहीं होगी। अगर आपको फिर से इन इमेजेस को लाना है या फिर आपने जो भी फोल्डर हिडन किया है उसे आपको सिंपली रिकवर करना है, तो आपको सिंपली उस पर यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक करना है, इसे डिलीट करके सीएमडी टाइप करना है और एंटर पे क्लिक करना है। आपका जो भी पर्टिकुलर फोल्डर है वो सीएमडी में ओपन होने वाला है। आपको फिर से एक कमांड टाइप करनी है ATRIP, यहाँ पर आपको स्पेस रखना है, -H -S और -R आपको टाइप करना है और एंटर पे क्लिक करना है। एंटर पे क्लिक करने के बाद जैसे आप बैक आ जाओगे, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो भी फाइल मेरी हिडन हुई थी वो रिकवर हो चुकी है। तो गाइस इस तरीके से आपको जो भी चाहिए वो फाइल्स आप सिंपली हिडन कर सकते हो, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कुछ तो आपने हिडन भी किया है। तो गाइज इस तरीके से अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।